हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड आज मैं आपको टॉप 25 यहाँ पे साइंस की क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा 25 सितंबर तक आपका पेपर है, ठीक है। तो भाई अच्छी तरह तैयारी करिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए टॉप 25 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके जो है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो वीडियो को ध्यान से समझना, ठीक है। चलो भाई, पहला प्रश्न दिया गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। सबसे पहले बात तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है किसने दिया था, पहला नंबर है तो न्यूटन जी ने दिया था, ठीक है। अगर ये पूछे, देखो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बनेंगे, हर क्वेश्चन से देखो दो तीन क्वेश्चन अगर बनते हैं तो उसको मैं जरूर बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कैपिटल जी होता है, वो आपका होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। और इसका सूत्र एक बता दें, एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है ये सूत्र। अगर पूछा जाए कभी सूत्र तो ये सूत्र होता है, एफ कैपिटल जी होता है। और इसका जो नियम है वो आपका न्यूटन जी ने दिया था, ठीक है। इससे केवल एक क्वेश्चन बन सकता है। और इसकी बीमा पुल पूछ लिया जाए तो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू होती है। ये पूरी तरह रट्टा मारो भाई, सेम टू सेम में आती है, अगर हल करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए सीधा याद कर लो, ठीक है। एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा और ये बताते हैं, सैंतक पूछी जाती है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू सैंतक बीमा सूत्र पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। सैंतक बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। तो दूसरा नंबर का बी ऑप्शन हेलियोटिस, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी से तारों की दूरी को मापने को इकाई क्या होती है। चलो भाई, ये सबको आता होगा, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर। प्रकाश वर्ष यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी से, ये पृथ्वी है, फिर वहाँ से आप जैसे तारे नापते हैं तो उसके नापने की जो दूरी होती है दोस्तों वो प्रकाश वर्ष होती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष, वैसे प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अक्सर ये पेपर पूछा जाता है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 × 10^15 मीटर का मीटर होता है, ठीक है, इतना तो आ गया होगा आपको। चलो भाई, अगला प्रश्न, कांस एक मिश्र धातु का है, ठीक है, जिसमें मुख्यतः धातु रहती है, कैसी धातु रहती है कांस में। चौथा नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका ए पार्ट यहाँ पे तांबा होता है, ठीक है, तांबा यहाँ पे राइट ऑप्शन। तांबा को कॉपर भी कहते हैं, मतलब CU, परमाणु संख्या 29, ठीक है। CU भी कॉपर भी लिख के आ सकता, तांबा भी लिख के आता है। इसमें 88% आपका मुख्यतः मतलब कि पूछा गया ज़्यादातर मात्रा में 88% पाया जाता है 100 में, और 12% आपका टिन पाया जाता है। टिन मतलब होता है एशन, टिन भी हिंदी में लिख के भी आ सकता है एशन, ठीक है। तो मुख्यतः पूछा गया तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 88% की है, केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है, तांबा CU, कॉपर भी कहते हैं इसको। चलिए कि एक क्वेश्चन के दो तीन क्वेश्चन दोस्तों बन रहा है, तो उनको थोड़ा अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। कुछ पिछले साल के प्रश्न को यहाँ पर मैंने लिया है। DNA का जो विस्तारित रूप है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो होता है डी ऑक्सी, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन राइट है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है। छठा नंबर प्रश्न है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे छठवें का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है। सातवां नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट दाब, ठीक है। जैसे कि देखो, मतलब पूछा गया है कार्यरत बल पर, वो भी क्षेत्रफल बट्टे में ए, ठीक है, समझ गया होगा। पी बराबर देखिए एफ अपॉन में ए दिया है, इसका उल्टू पूछा कि क्या होता है, तो पी होता है भाई दाब कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा, पी बराबर एफ अपॉन में ए होता है, यही परिभाषा से पूछा गया था, तो यहाँ से दाब हो गया राइट ऑप्शन, ठीक, प्रेशर होता है जो दाब। आठवां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। हालांकि आपको पता है 25 सितंबर से आपका पेपर चालू हो गया है, चालू हो जाएंगे, ठीक है। अभी यही है कि 10 दिन तक लगभग मान के चलो बच्चे हैं, ठीक है। गर्सर से उत्पन्न होता है, आठवें का डी ऑप्शन ऊष्मा, ठीक है। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। और इसमें थोड़ा डिटेल में ये भी बता देते हैं कि प्रेशर होता है दाब, ठीक है। दाब को वैसे कि ये भी पूछ लेता है कि मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये छोटी चीज़ें याद कर लेना, सब आता होगा। दाब एक अदिश राशि पता होगा सब, ठीक है। अधिकतर वो होता है जिसमें वह आए तो वो हमेशा सदिश राशि होती है, पूरा वह आए तो सदिश राशि होती है, ठीक है। अगर आधा भी वा भी आ रहा, जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, और जैसे पूरा वा आए तो सदिश राशि है, अगर ना आए तो अदिश राशि, ये एक ट्रिक होती है, ठीक है। जैसे दाब में वा आ रहा है, वा नहीं आ रहा, वा आता तो सदिश राशि होती, वा आया तो मतलब अदिश राशि होगी, ये ट्रिक है, थोड़ा लिख लेना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई आपको। अगला प्रश्न है, किस रेशे का
कृत्रिम ऊन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 9वां नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन सी पार्ट रेयान यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को सीधा मिलेंगे। तो ये कि देखो, अभी मैंने जीके और साइंस में अभी इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब जल्दी से कर लो, ठीक है। मतलब ये कि वीडियो डाल देता हूँ दिन पे दिन, तो आप लोग जल्दी चेकआउट करते रहना, ठीक है। पेपर भी आने वाला, जल्दी जल्दी देखना। चलो भाई, 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है, 10वां नंबर प्रश्न है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन, वायरस द्वारा, ठीक है, हो जाता है साधारण जुकाम जो होता है आपको। चलो, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? चलो भाई बताओ, जब भी बरसात के दिनों में आपको देखने को मिलता होगा तो लाल रंग दिखता है, ठीक है, ऊपरी भाग में सबसे। जब ऐसे सात रंग होते हैं तो ऐसे दिखता होगा, तो ऊपरी जो भाग होता है वो सबसे लाल रंग होता है। थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, वैसे देखा तो चाहे ना हो, सात रंग देखे होंगे पर उसमें ऊपरी भाग में लाल होता है, ठीक है, याद करना पड़ेगा। वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है किस सिद्धांत के कार्य पर, मतलब प्रणाली कार्य करता है, ये पूछा जाता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है वाशिंग मशीन, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। तो अपकेंद्रण होता है, ठीक है, अपकेंद्रण। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है दोस्तों, पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, चलो भाई, ये कि 1 से 12 वो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब 1 से 12 फिर ये करा देंगे, 24 हो रहे, मान लीजिए 25 क्वेश्चन, ठीक है, मान के चलिए। तो ये कि देखो, अलग अलग और काफ़ी इंपॉर्टेंट छाट छाट के मैंने लिए हैं, इसलिए आपके 12 हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, अटपटे क्वेश्चन भी लिए हैं, साइंस में अटपटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से, पर मैं सबको आपको करा रहा हूँ, तो आप वीडियो पूरा देखते रहना मेरे चैनल पर सब कुछ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? पहले का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, हाइड्रोजन के कारण, ठीक है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब ये कि आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि मैंने वैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के ज़्यादा जीके नहीं कराए, लेकिन नेवी एमआर के जीके मैंने 200 प्रैक्टिस सेट जीके करा डाली हैं, ठीक है। कोई कोई क्लास में एक एक घंटा मैंने 400 जीके करा दी। जीके आपके दोस्तों सेम होती है नेवी एमआर इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो अगर आपको चाहिए तो बताना, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, 200 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको साइंस भी होगी, साइंस चलो आपको मानो देख लेना, साइंस और मैथ, लेकिन होता भाई ये जीके तो आपके सेम टू सेम आती टॉपिक वाइज। तो अगर आपको नेवी एमआर की साइंस चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड में पढ़ने के लिए, तो आप बताना, अभी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम ही आती है आपकी, नेवी एमआर और इंडियन कोस्ट गार्ड में सामान जीके आती है सेम, ठीक है, केवल जीके की बात हो रही है यहाँ पर। तो मैं बताना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वैसे मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की स्पेशल अब करा रहा हूँ, पेपर आने वाला है, तो आप ये भी दे सकते हो। SO2 का जली विलयन होता है, जो SO2 होता है उसका जली विलयन कैसा होता है? अम्ली होता है। अम्ली मतलब 7 से कम होता है, अगर 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। और 7 होता तो आपका बराबर मतलब होता, तो फिर 7 बराबर मतलब होता तो वो उदासीन हो जाता है। मेरे कहने की मतलब 7 से कम होगा तो अम्ली होगा, 7 से ज़्यादा होता तो क्षारीय हो जाता है, अगर 7 ही होता बराबर तो उदासीन हो जाता है, बस ये कहने का मतलब है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर क्रीम सेपरेटर और ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का उपयोग किया जाता है? तीसरे नंबर का ए ऑप्शन यहाँ पर अपकेंद्री, ठीक है, अपकेंद्री बल का। चलो भाई, स्वच्छ आकाश है भाई, उसमें नीला रंग कोई दिखाई देता है, इसका कारण बताइए जरा। अंतरिक्ष ये कि आकाश देखने में काला दिखाई देता है, ठीक है, पर यह पूछा गया स्वच्छ आकाश नीला कौन दिखाई देता है? आप लोग देखते होंगे आकाश को नीला दिखता होगा भाई, रीजन क्या है? चौथे का बी ऑप्शन, प्रकाश के विकिरण के कारण होता है केवल, और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको आता होगा। निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया? तो भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो सबको आता होगा, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? चारों ऑप्शन को देख के बताना पहले। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो सबसे हल्का तत्व है, याद कर लेना। लवण का घोल डैश का एक मिश्रण है, 7वां नंबर प्रश्न है। तो ए ऑप्शन, पानी में सोडियम क्लोराइड, लवण का जो घोल होता है पानी में सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण होता है, 7वें का राइट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? ठीक है, तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा 8वें का। चलो भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि जिसमें वाय तो सदिश राशि है, तो मतलब ये सदिश है, ये सदिश है, और आपका आयतन और बल है, तो ये कि दोस्तों एक दो आपकी ऐसी होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। ये कि सौ मेरा जो रूल है वाह वाला, जिसमें वाह है तो सदी से वो 100% रूल पर फॉलो करता है, दो चार ऐसी होती जो आपकी मतलब कि रूल को अनफॉलो भी कर देती है। तो बल आपकी एक सदिश राशि है, वैसे वाह आया वो बात अलग है, लेकिन बल एक सदिश राशि है, ठीक है। और आयतन एक आदिश राशि, से पूछा कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो मतलब कि आदिश कौन सी है? आयतन, ठीक है, ये तीनों आपकी सदिश है।
ठीक है, बल भी याद कर लेना, एक दो आपकी अलग मतलब निकल के आ गई हैं, बल एक सदिश राशि है, लेकिन अधिकतर 100 में 99% ये रूल फॉलो होता है, वा है तो सदिश राशि है, ना है तो अदिश राशि, इसमें नहीं आया वा ना तो ये आपकी अदिश राशि है जो पूछा गया इसमें, ठीक है। एक आध वो इसी होती तो आपको याद करना पड़ेगा। अगला है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन सबको आता होगा, ये बहुत ज़्यादा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन किसका क्रिया पे कार्य करता है, ठीक है। अगला केशुकात्व भी लिख के आ सकता है, ठीक, पेपर में से। चलो होमी सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है, 10वां नंबर प्रश्न है, तो मानव बुद्धिमान, ठीक है, ए पार्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटाई बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, शायद आप लोगों को नहीं आता होगा, पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कैडमियम, ठीक है, 11वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। चलो, क्योंकि ये होता है ना इटाई बीमारी के लिए कौन उत्तरदायी, मतलब तो कैडमियम का जो प्रदूषण होता है उसके वजह से वो इटाई रोग हो जाता है, ठीक है। इस रोग में क्या होता है कि हड्डियाँ और जोड़ों में थोड़ा बहुत दर्द होता है, ठीक है। चलो भाई, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश, जानते होंगे लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, इसका रीजन क्या है भाई, लाल रंग में क्या खासियत है, देखो 12वां नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन सी पार्ट है, क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम प्रक्षेपित होता है, ठीक है, इसलिए वो दूरी से आपको साफ साफ देखने को मिल जाता है। चलो भाई ये कि देखो दोस्तों, ये कि अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले भाई लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते तब जाकर मैं लास्ट में आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम भी बर्बाद ना हो, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।